हैं सब। चले गए। शाजो चली गई। ये घर उसके और मेरे वालदैन का था। उसने अपना हिस्सा मुझे तोहफे में दे दिया था। बदले में हमने उसे घर से निकाल दिया। आपको पता है उन्होंने क्या किया? परवेज को भड़काया, तभी तो उसने शादी से इनकार किया मुझसे। परवेज को किसी ने नहीं भड़काया, तुमने खुद उसे मजबूर किया कि वो तुमसे दूर हो जाए। और मालूम है, बिल्कीस भी चली गई। वो कहाँ गई? उनका तो कोई और नहीं है। हाँ, इसी बात का तो फायदा उठाते रहे तुम और मैं। हम दोनों ने मिलकर बिल्कीस को दो वक्त की रोटी और एक छत के बदले अपना जर खरीद गुलाम बना लिया था। आज वो गुलाम भी भाग गया। मगर गई कहाँ है? परवेज को उसने बेटे की तरह पाला था, अपने साथ ले गया। अच्छा, तो ये चक्कर था, इसीलिए शादी से इनकार किया। हाथ हो गया है आपके साथ भी। हुस्ना, ज़बान को लगाम दो, रिश्तों का एहतराम करना सीखो। मैं रिश्तों का एहतराम करना सीखूं? हाँ मैं सीखूं? जब मेरा नाम मेरे उस्ताद के साथ जोड़ती थी आपकी छाजो बाजी, तब तो ये आवाज नहीं निकलती थी, तब तो मना नहीं किया उनको। इस घर की भीख आपने मांगी थी उनसे, मैंने नहीं। इसलिए मैं किसी को हक नहीं दूंगी कि कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा बोले। बहुत जबान दराज हो तुम हुस्ना। सच है ये, और सच कह रही हूं मैं, और सच कड़वा लगता है। मेरी बात सुन ले अब्बू, मैं अम्मी की तरह आपकी नौकरानी बनके इस घर में नहीं रहूंगी। इसलिए खुद को और इस घर को संभालने के लिए नौकर रख लें।